आप लोग भी बहुत गिफ्ट। और चलो ना ये गिफ्ट क्यों लाई है आप? हम लोग कानपुर से आए हैं खासकर इनसे मिलने के लिए और बड़ा मुश्किल हुआ आपका घर ढूंढने में। अब खैर लोग धीरे धीरे जान रहे हैं, फिर हम लोग मार्केट चले गए थे इनके लिए गिफ्ट लेने के लिए। बांदा आपको बताएं, बांदा हमारी ससुराल भी है। चलो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा गिफ्ट है लाए हैं भैया, गिफ्ट लाए हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है। जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है भैया की। और करते हैं कि आप देखिएगा इनको। और अब ये इनका मेकअप करने जा रहे हैं, मेकअप करेंगे इनका। प्यू ब्यूटी पार्लर नाम से पार्लर है कानपुर में, पिपौरी में। अच्छा, तो अच्छा। आप लोग अगर कानपुर के हैं, कानपुर के आसपास के हैं तो और खास करके बर्रा एरिया के, बर्रा कारगिल पेट्रोल पंप या टाटा पे नगर के, तो हमारे पास आइए और इनके यहाँ सर्विस लीजिए। प्यू ब्यूटी पार्लर दुर्गा मंदिर के पास में। थैंक यू। आप लोग पार्लर जरूर जाइएगा, मेकअप करेंगे। अभी देखो मेरा मेकअप करने नहीं बनाएंगे तुमको, लेकिन मुझे लग रहा है अच्छा ही होगा जब भी। अच्छा भैया आपको इंटरव्यू लेना है ना? आप कर लीजिए ना मेकअप, नहीं उसमें क्या दिक्कत है, एंटर आप मेकअप कर देंगे तो और हमारी दीदी सुंदर लगने लगेगी। नहीं नहीं आराम से करिए। हमें बचपन में छोड़ दिया था, तो ठंडी का समय था, बहुत ज्यादा ठंडी थी, तो उन्होंने घर से निकाल दिया हमें। फिर मम्मी हमारी थी तो एक साड़ी में थी, उन्होंने अपनी साड़ी में मतलब उड़ाया करती थी, ठंडी बहुत ज्यादा भयानक थी। हमारे पास तब कुछ भी नहीं था, ना कपड़े थे ना बर्तन थे। जब हमने पटिए, जो पटिया होती है ना, उसमें हम लोग धुल धुल के उसको उसमें आटा माड़ा करते थे। इसी घर में ये सब चीज होता था, किसी और दूसरे घर में नहीं, स्टेशनों में। स्टेशनों में हम लोग रात गुजारी है, स्टेशनों में अपने रात गुजारी, स्टेशन में रात गुजारी। और पापा ने हमें निकाल दिया था, दादी के चक्कर में हमें निकाला है मैंने। अच्छा अच्छा, कुछ तो अपना फैमिली प्रॉब्लम रही होगी जिसमें से आपको घर से निकाला गया। जी अब पता नहीं, दादी भड़का रही थी तो ऐसा कुछ हो गया तो निकाल दिया। अल्लाह की दीदी बहुत अलग आपने कर दिया। हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ वो सिल्वर, थोड़ा सिल्वर होता है। जी करता ना इसको सब पता। बहुत अच्छा, आपकी भैया पसंद बढ़िया एकदम। जी बड़ी मुश्किल से मैसूरी माता के पास मार्केट है, अच्छा वहाँ जाके बड़ी मुश्किल से मिला। बहुत अच्छा भी है। तो दीपक वाले बताओ, जो ये वो बनाया था ना शकुंतला ने, अब अपना मेकअप दिखाए इसने, तो ऐसे कर दे तो आप। हेलो दोस्तों, हम लोग कानपुर से आए हैं खासकर शकुंतला जी से मिलने, और ये मेरी वाइफ है बन्ना, और इनका प्यू ब्यूटी पार्लर नाम का पार्लर है। और पीहू ब्यूटी पार्लर नाम का पार्लर है जो कि पिपौरी बर्राहाट के पास में है। और आपको बता दें कि आप लोग आइए, और एड्रेस है वहाँ का दुर्गा मंदिर, पीहू ब्यूटी पार्लर, एक बार जरूर विजिट करें और इनसे मिले। ये कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सब कैसी लग रही है, मेकअप अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप लोग
दीदी के पार्लर जरूर जाइएगा और बहुत अच्छा मेकअप करती है। और ये बात याद रखिएगा, पार्लर जरूर आप लोग जाइएगा, ठीक है ना? प्यू ब्यूटी पार्लर, प्यू ब्यूटी पार्लर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, शकुंतला, मैंने इनका मेकअप किया, प्लीज कमेंट करके बताइएगा ये मेकअप कैसा लगा आप लोगों को, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे सैलून जरूर आइएगा, प्यू ब्यूटी पार्लर कानपुर बर्राट में। तो आप लोग दीदी के ब्यूटी पार्लर जरूर जाइएगा, एकदम से चेंज कर देंगे आपको। और हाँ, कुछ कमी लगे तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, आज आप लोग देर करेंगे, ओरिजिनल देखते तो ओरिजिनल तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं ना। चलो ठीक, नहीं ओरिजिनल देखने ही अलग खुशी हो जाती ना। हाँ वही तो, पर ठीक है, चलिए नहीं अभी ओरिजिनल हो जाएगी। अभी आप दीदी आप अभी बना लीजिए रील, आपको जितनी बनानी हो फिर अपना हटा देगी मेकअप। क्लिक कर लो, तो रेडी नहीं देखना नहीं चाहिए ऐसे। हां, तो आज इसको अच्छे से सुनो, बोलिंग और आप हमीरपुर का जा रही हैं? बस अभी की रात की ट्रेन से जा रहा है। अरे रात की ट्रेन से जा रही हैं? अच्छा, मेरे घर। अरे मैं क्यों रोकूं यहां पर आपको? ठीक है, बहुत अच्छे वीडियो बनाती है आप, सारी सिचुएशन तो सबको जानते हैं, प्लीज गाइस इन लोगों को सपोर्ट करिए। और बाल